देखिए, दो दिन पहले रेलवे ग्रुप डी का बहाली आया। रेलवे ग्रुप डी में बहाली आया है, जिस स्तर से उसमें गड़बड़ियाँ सामने आई है, ये छुपाने वाली बात नहीं है, ना छुपने वाली बात है। आप देख रहे हैं कि जो लड़कियों को 28 नंबर आया है उनका रिजल्ट हो गया, जो लड़के को 68 नंबर आया है उनका रिजल्ट नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं देश के अंदर रेलवे के नाम पे जो हुआ है। आज हम लोग आंदोलन की शुरुआत सिंपैथिक रूप से कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आज हमारे आंदोलन की शुरुआत है। आज आंदोलन की शुरुआत हम कर रहे हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि आज आंदोलन की हमारी शुरुआत दिन है। हम आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे। अभी गली गली से लोग निकल रहे हैं, मोहल्ले से निकल रहे हैं, इसलिए आंदोलन बड़े पैमाने पर जाएगा। हमारा सरकार से एक ही डिमांड है कि जो रिजल्ट आई है उस रिजल्ट को संशोधित कर रिजल्ट को पुनः जारी करे, ताकि देश के अंदर जो छात्र समुदाय बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उससे बचे। अपर से आकाश कश्यप, आज सर आज सर वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है उसको फालतू का चीज दिखाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक मुद्दा है, ग्रुप डी में जो है जो धांधली हो रही है उसको यहाँ तक न मीडिया देखने वाला है, न उसके जो हमारे जिनको ये अति करना चाहिए कोई भी यहाँ पे हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग बहुत नाराज के व्यक्ति करते हुए रेलवे बोर्ड और उसके प्रति दुख जाहिर करते हैं, और हम गुजारिश करते हैं कि आप हम लोग के पक्ष में कुछ सहयोग करें, लेकिन अभी तक कोई भी सहयोग रिजल्ट हुआ है यानी पूरा नॉर्थ सेंटर मैनेजिंग है उसकी भी जांच करो, आखिर उस रूम में सारे लड़का क्या बेल बैठा हुआ था जो सबका रिजल्ट हुआ और बाकी लड़का का नहीं हुआ। पूरी सेंटर मैनेजर पटना में एक सेंटर ऐसी है, लेकिन बिहार में हजारों सेंटर था, हजारों सेंटर को चेक किया जाए कि किस पे सेटिंग हुआ है। मेहनत करने वाले लड़का सब फेल कर रहा है और जो विदाउट मेहनत करने वाले है वो जाके पास कर रहा है, तो हम लोग का क्या ना इंसाफी हम लोग के साथ हुआ है ना। इसके इंसाफ के लिए हम लोग रेल मंत्री से उसके पदाधिकारी से बिना आग्रह करते हैं कि इसकी पुनः जांच किया जाए और रेल का फिर से ग्रुप डी का रिजल्ट दिया जाए। उसका रिजल्ट नहीं है, 70 तक भी नहीं, 70 जिनका रिजल्ट मेन मार्क्स रॉ मार्क्स 70 आ रहे हैं उसका भी रिजल्ट नहीं है। तो हम रेल मंत्री से और उनके पदाधिकारियों से आग्रह विनम्र आग्रह करते हैं कि ग्रुप डी के रिजल्ट को सुधार कर पुनः के जो 3 महीने और 4 महीने का जो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है तो उसका प्रक्रिया में बिल्कुल साफ सुथरा और निष्पक्ष किया जाए, जांच करके नॉर्मलाइजेशन। छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, रिजल्ट में धांधली जांच करो, जांच करो, जांच करो, रिजल्ट में हुई धांधली जांच करो, जांच करो, जांच करो। पीयूष गोयल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ किसी को नहीं समझ सकते किसी को।